हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चलती ट्रेन में चोरी करने का आरोपी गिरफ्तार। जीआरपी ने दिल्ली सराय बांद्रा टर्मिनल एक्सप्रेस में यात्री का मोबाइल व चांदी की पायजेब चोरी करने के आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी को जोधपुर रेलवे एसीजीएम कोर्ट कैंप आबू रोड में पेश किया गया, जहां से उसे 6 अगस्त तक पुलिस अभिरक्षा में भेज दिया गया। जीआरपी के अतिरिक्त उप महानिदेशक संजय अग्रवाल, उप महानिरीक्षक संदीप सिंह चौहान, एएसपी भंवर सिंह नाथावत के आदेश अनुसार एएसपी श्रीमती योगिता मीणा व डीएसपी ताराराम बैरवा के सुपरविजन में यात्रियों के सामान की सुरक्षा व अपराधों की रोकथाम को विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत थाना अधिकारी दिलीप सिंह के नेतृत्व में टीम गठित की गई। टीम में हेड कांस्टेबल बालू राम, कांस्टेबल राजेंद्र सिंह, हरि मोहन, वीरधाराम द्वारा माल व मुलजिम की तलाश की जा रही थी। इसी दौरान अजमेर जिले के ब्यावर कंजर बस्ती निवासी धर्मराज उर्फ धर्मेंद्र पुत्र प्रहलाद से पूछताछ की गई। इस पर उसने गत 18 जून को चलती ट्रेन 02950 दिल्ली सराय बांद्रा टर्मिनल एक्सप्रेस में रेलवे स्टेशन आबू रोड से परिवादी सीकर से श्री माधोपुरा थाना के लोरवाड़ा रोड कावंट निवासी राजकुमार पुत्र रिचपाल कुमावत का मोबाइल व चांदी की पायजेब चुराना स्वीकार किया। जागरूक टीवी के आबू रोड से मनोज चौरसिया की रिपोर्ट।